अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ हम दो हमारे चार। तो कैसे हैं आप सब? आज इस वक्त यहाँ सुबह के 6 बज रहे हैं और बच्चे जो हैं वो स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं और मैं बना रही हूँ टिफ़िन। तो ये एक चीज़ केक है और बहुत ही अच्छा बाउंसी चीज़ केक है, एकदम स्पॉन्जी सा। तो यही मैं इन लोगों को टिफ़िन में दे दूंगी डेज़र्ट के लिए, क्योंकि आरिस के स्कूल में जो है ना वो चॉकलेट का कोई भी केक जो है या फिर चॉकलेट की कोई भी चीज़, न्यूटेला वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। तो बस मैं इसी तरह का चीज़ केक, हनी केक लाती हूँ। और साथ में जो है ना ये नए चावल की जो है वो मैंने तहरी बनाई हूँ सॉसेज डाल के। ये चावल जो है ना, जब हम लोग इंडिया जाते हैं ना गांव, अपनी ससुराल में जब जाती हूँ तो वहाँ से मैं लेके आती हूँ और फिर हम लोग पूरे साल इसको जो है ना यूज़ करते हैं। तो नए चावल की तहरी या खिचड़ी बनाओ ना तो बहुत ही मज़े की लगती है। और साथ में मैंने एक लबन रख दी हूँ क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं और अब मैं यहाँ पीछे आ गई हूँ बैकयार्ड में मुर्गियों को खाना वगैरह देने और अंडे पिक करने के लिए। तो यहाँ पर रात में जो है ना मैंने वाइट कपड़े अलग से लगाए थे, वही मैं उठा लूँगी। अब मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो हस्बैंड रेडी हो रहे हैं और उनके लिए आज जो है मैं ऑमलेट बना रही हूँ एज़ यूजुअल, लेकिन जो है मैं आज स्पिनच वाला ऑमलेट बनाऊँगी जो बहुत ही हेल्दी होता है। जैसे कि स्पिनच हम सब लोगों को पता है कि हाई इन आयरन होता है, तो कभी कभी जो है ना इस तरह का ऑमलेट भी खाना चाहिए, बहुत ही मज़े का बनता है। तो स्पिनच को मैंने रफली चॉप कर ली हूँ और दो चेरी टोमेटोज़ है ना उनको भी मैंने एकदम मोटा मोटा काट ली हूँ। अब यहाँ नॉनस्टिक फ्राइंग पैन में मैंने डाल दी हूँ ऑयल और उसके अंदर छोटे कटे हुए लहसुन डाल दी हूँ और प्याज और टोमेटो। तो बस थोड़ा सा इसको भूनना है, 1 से 2 मिनट, बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद मैंने इसमें पालक डाल दी हूँ और नमक। तो इसको पालक जो है ना ये इतनी ज़्यादा दिख रही है, लेकिन जो है अभी थोड़ी देर के बाद जो है ना वो श्रिंक होकर बहुत ही थोड़ी सी हो जाएगी। तो बस इसके अंदर मैं हरी मिर्ची डाल दूँगी कुटी हुई और उसके बाद जो है ना हम लोग इसको छुपा के थोड़ा सा पकाएँगे। तो पालक का पानी सूख जाने के बाद इसके अंदर मैंने फेटा हुआ अंडा डाल दी हूँ और अंडे में ना थोड़ा सा मैंने काली मिर्च और नमक डाल दी थी, तो ये एकदम भुर्जी की तरह से रेडी हो जाता है। तो जो एग लवर्स है ना उनको बहुत ही पसंद आएगा फॉर अ चेंज। और आज जो है ना मैं यहाँ पे फिर से वही पराठा बना रही हूँ, तो आज मैं एकदम अलग सा पराठा बना रही हूँ ट्राइंगल शेप में। तो शेप भी बदल बदल के देती रहती हूँ मैं, और बच्चे भी जो है ना इस टाइप का ट्राइंगल शेप वाला पराठा लेके जाते हैं ना तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो बस ये देखिए हमारा ट्रायंगल शेप वाला पराठा जो है वो रेडी हो गया है और दिखने में कितना क्यूट सा लग रहा है, और ये ना फूलता भी बहुत अच्छा सा है और बहुत इजी है। इसके अंदर हम लोग कोई स्टफिंग वगैरह भी डाल सकते हैं जैसे आलू की या फिर पनीर की। तो हम लोगों का हेल्दी सा नाश्ता जो है वो रेडी हो गया है, स्पिनच वाला स्क्रैम्बल्ड एग और पराठा। तो चाय भी मैंने साथ में बना ली थी और हस्बैंड भी आ गए हैं रेडी होके ऑफिस जाने के लिए। तो आप लोगों को तो पता है कि मैं जो है वो ये सब नाश्ता नहीं करती हूँ, मेरा तो वही नाश्ता रहता है साल भर, कड़क पाव और मक्खन। और इस टाइम पे बच्चे सारे स्कूल में रहते हैं ना तो एकदम सन्नाटा लगता है। तो नाश्ता हो गया और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, और उसके बाद एज़ यूजुअल जो मेरा मॉर्निंग का टाइम रहता है वो क्लीनिंग का रहता है। तो आज जो है ना मैं यहाँ सोफ़े की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी। तो उसके लिए जो है मैं ये कुशन कवर्स जो है ना सबसे पहले मैं इसको निकाल के वॉशिंग मशीन में लगा दूँगी, जब तक कि ये सब धुलेगा ना, जब तक मेरा जो है वो सोफ़ा भी जो है वो वैक्यूम होके अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और ये क्लीनिंग पॉट्स जो है ना ये बहुत ज़ोरों शोरों से छाया हुआ है आजकल, मतलब जो है डिटर्जेंट आजकल लोग कम ही यूज़ करते हैं और ये पॉट्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, और काफ़ी अच्छा भी है, कपड़े भी जो है ना बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। तो हमारे घर में ना यहाँ पे जो है एक अलग से स्टोर दिया हुआ है वैक्यूम वगैरह स्टोर करने के लिए, तो यहीं पे मैं वैक्यूम रखी रहती हूँ। तो आज जो है मैं यही सोफ़ा वैक्यूम करूँगी। और ये जो हमारा सोफ़ा है ना, ये सोफ़ा कम बेड है और नीचे जो है वो स्टोरेज भी दी हुई है इसमें कुशन और वगैरह रखने के लिए, तो ये हमेशा जो है ना ऐसे उठा रहता है सोफ़े की पोजीशन में। तो ये देखिए जो इसके बीच में जो लाइन है ना वहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर कचरा जमा हो जाता है। तो जब तक ये सोफ़ा बना रहता है ना तब तक दिखता नहीं है, लेकिन जब हम लोग इसको अगर बेड बनाएंगे ना तब इसमें जो है ना सारा कचरा जो यहाँ अंदर जमा हो जाता है ना उसको साफ़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह लोग बाहर काम करते हैं, जॉब करते हैं, और तो उसी तरह जो है ना हाउसवाइफ के लिए जो है होम मेकर की जॉब होती है, और किसी भी काम में जो है ना वो एक्सीलेंस हासिल करने के लिए जो है उस काम में जो है एकदम घुसना पड़ता है और टाइम देना पड़ता है। तो होम मेकर का भी यही काम है, अपने जो है घर की जो है साफ़ सफाई करें, ख्याल रखें।
तो क्लीनिंग ऐसी भी नहीं करनी चाहिए कि मतलब इतना ज़्यादा थक जाएं सफाई कर करके कि फिर खाना ही ना बनाएं और फिर उसके बाद जो है बच्चों को डांटने लगें, ये सब इस तरह भी नहीं क्लीनिंग करनी चाहिए दीवानों की तरह से। बस क्लीनिंग को जो है ना अपनी डेली रूटीन में ले आएं। अगर मॉर्निंग में हम लोग 10 से 15 मिनट अगर क्लीनिंग करेंगे ना, अपने रूटीन में ले आएंगे इस क्लीनिंग को, तो फिर जो है हम लोगों को ये आदत बन जाएगी। और एक दफ़ा जब क्लीनिंग करने की आपकी आदत हो जाती है ना, तो फिर खुद ही आपका दिमाग दौड़ेगा कि आज हमको क्या क्लीन करना है। सो 10 से 15 मिनट अगर हम लोग हर एक घर में कोई ना कोई चीज़ क्लीन करेंगे ना, तो फिर जो है इतना ज़्यादा भारी भी नहीं पड़ेगा और घर हमेशा चमकता ही रहेगा। तो बस क्लीनिंग को जो है वो हम लोगों को रूटीन में लाने की ज़रूरत है। एक दफ़ा आप लोग भी ये वाला फंडा अपना के देखें, फिर मुझे बताइएगा कि कुछ चेंज हुआ कि नहीं। तो बातों बातों में जो है यहाँ पे सोफ़ा देखिए एकदम क्लीन हो गया है और लाइंस के अंदर कोई भी डस्ट नहीं है और बहुत ही मतलब साफ़ सुथरा लग रहा है। तो एक इतना बड़ा काम मेरे सर पे से उतर गया है, क्योंकि ये वाला काम जो है ना ये रोज़ रोज़ का नहीं होता है, एक महीने में डेढ़ महीने में एक बार करने वाला काम होता है। तो अब सोफ़ा जो है वो सुकून से एकदम साफ़ हो गया है। तो यहाँ देखिए ये बेड से जो है इसको मैं फिर से सोफ़ा बना देती हूँ, क्योंकि ये नीचे लिविंग रूम में रहता है तो ये हमेशा ऐसे ही रहता है। और ये वैक्यूम क्लीनर जो है ना, इसके अंदर का कचरा जो है वो मैं बाद में शाम में साफ़ करूँगी, अभी जो है मुझे खाना बनाना है क्योंकि आरिज आ जाएगा। तो बस मैं फ़्रेश होके यहाँ आ गई थी किचन में और आज है ना मैं कढ़ी बना रही हूँ। कढ़ी बहुत ही मतलब मज़े की बनती है और जब आपका ना नॉनवेज खा खा के दिल भर गया हो ना, तो ये वाली कढ़ी ट्राई करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो उसके लिए जो बस मैंने धनिया की पत्ती ले ली हूँ और हरी मिर्ची और लहसुन, और इसकी ना एकदम अच्छी गीली सी चटनी बना देनी है। अगर नारियल है ना आपके पास तो वो भी पीस सकते हैं आप साथ में। और यहाँ पे ना मैंने एक नॉनस्टिक वोक ले ली हूँ और अब हम लोगों को भूनना है बेसन। तो 3 चम्मच भर के जो है मैंने बेसन ली हूँ यहाँ पे और उसको हम लोग रोस्ट करेंगे मीडियम आंच पे। तो बस अच्छा सा खाली ना रोस्ट करने से कलर बहुत अच्छा आता है। और 1 कप मैंने भर के जो है ना वो थिक योगर्ट ली हूँ मतलब दही, और हल्दी ले ली हूँ 1 चम्मच, और जो हम लोगों ने चटनी पीसे थे ना धनिया की पत्ती लहसुन मिर्चे वाली वो ऐड कर देंगे हम लोग इसके अंदर, और थोड़ा सा पानी वो धनिया की पत्ती को साफ़ करने के लिए मिक्सर में से, और उसके बाद हम लोग इसको मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए ये अच्छी तरह मिक्स हो जाना चाहिए, कोई भी गोटा वगैरह नहीं रहना चाहिए, मतलब लम्ब्स नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। और ये जो कढ़ी है ना, एक दफ़ा जब इसमें से लम्ब्स निकल जाएगा ना, तो हम लोग इसके अंदर ना 3 से 4 ग्लास जो है वो पानी ऐड कर देंगे। और देखिए अब बॉईल आ गया है, तो इस टाइम पे हम लोग इसके अंदर नमक डालेंगे। अगर हम लोग पहले डाल देंगे ना तो कढ़ी जो है ना वो फटी फटी सी हो जाएगी। तो बस कढ़ी को जो है ना मैंने पीछे रख दी हूँ धीरी आंच पे, 1 घंटा जो है ना वो कढ़ी को लगेगा पकने के लिए। और तब तक यहाँ पे जो है ना वो सोफ़े के कवर्स जो धुलने के लिए मैंने रखी थी मशीन में वो भी हो गए हैं, तो बस मैं वो डाल देती हूँ ताकि शाम में बच्चे आने से पहले जो है ये सब सूख जाए और मैं लगा दूँ। वैसे तो ये आधे ही घंटे में सूख जाएंगे, क्योंकि दुबई की गर्मी आजकल इतनी सख्त है कि मतलब 2 मिनट में कपड़े सूख जाते हैं। और ये देखिए ये मूंग की दाल है हरी छिलके वाली, और इसको मैंने ना रात से ही भिगाई थी। तो कढ़ी के लिए जो भजिया बनती है ना वो मैं इसी की बनाऊंगी, हरी मिर्ची और लहसुन और थोड़ा सा ज़ीरा इसको डाल के जो है ना मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी। नमक भी ऐड कर दी हूँ। तो ये देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रहती है, और उसमें मैंने थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऐड कर दी हूँ। तो ये जो भजिया है ना वो कई तरह की बनती है कढ़ी में, मतलब कढ़ी जो है ना वो बहुत फेमस डिश है, पंजाबी लोग भी खाते हैं, गुजराती लोग खाते हैं। तो बस ये मैं अपनी तरह से बना रही हूँ। और भजिया भी ना बहुत अलग अलग तरह की बनती है, मतलब प्याज की भी बनती है, खाली बेसन की बनती है। तो मैं ना इस तरह से मूंग दाल की भजिया बनाती हूँ। तो उसको जो अच्छा सा गोल्डन सा फ्राई कर लेंगे, लेकिन शर्त ये है ना कि इस भजिए को बहुत अच्छी तरह सोक कर रहना चाहिए। अगर भीगी नहीं रहेगी भजिया तो ये भजिया एकदम कड़ी कड़ी सी बनेगी, एकदम ठूसा रहेगी। तो अगर सॉफ्ट भजिया चाहते हैं ना तो इसको रात भर भिगाएँ तो बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट आएगा। तो बस ये देखिए भजिया को फ्राई करके मैंने कढ़ी में डाल दी हूँ। सो भजिया को मैंने ना 5 मिनट पकने के लिए रख दिया है कढ़ी में डाल के। और यहाँ पे ना मैं बघार रेडी कर रही हूँ। तो तेल में बस मैंने ज़ीरा डाली हूँ और छोटी कटी हुई प्याज और गोल वाला लाल मिर्चा, बस इसको ब्राउन करके और इसी का तड़का हम लोग जो है कढ़ी पे लगा देंगे। बहुत ही मज़े की बनती है और खाने में भी ना बहुत लाइट रहती है, एकदम हैवी खा खा के जब दिल भर जाए आपकी ना तो फिर ये ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बनी थी। और यहाँ देखिए साथ में ना मैंने मीठा बनाई थी, मेरे हस्बैंड को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है ना, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो बस मैंने गुलाब जामुन बनाई थी। और यहाँ देखिए चावल को मैंने कैसे किया है सर्व, आज मेरे एकदम टिपिकल खाने का मन कर रहा था थाली स्टाइल में। तो चावल को भी ना मैंने एकदम अच्छे से गर्म गर्म चावल को प्याली में निकाल दी थी, और कुछ देर वैसे ही छोड़ने के बाद उसको मैंने इस तरह पलट ली हूँ, तो इस तरह से शेप आ जाता है चावल का और बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, आप ही मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है, टेम्पटिंग लग रहा है कि नहीं।
और कढ़ी जो है मैंने सर्व करके बस खाना स्टार्ट कर दी हूँ। आज तो बच्चों के आने से पहले ही मैंने खाने लगी हूँ और मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा था। और देखिए गुलाब जामुन भी इतना सॉफ्ट और अच्छा सा बना था। सो खाना वगैरह हो गया, नमाज़ भी पढ़ ली मैंने, और ये जो कुशन कवर थे ना ये भी सूख गए थे, तो मैंने सोचा लाओ जल्दी जल्दी इसे भी लगा के ये काम निपटा लेती हूँ। आज रात में ना एकदम स्पेशल सा डिनर बनाने का प्लान है, तो चिकन जो है ना वो मैं अभी मैरिनेट कर देती हूँ। तो ये 1 किलो चिकन है और उसमें हल्दी है आधा चम्मच और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून ईच और काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच और ये 1 कप भर के दही है और मोटी मोटी कटी हुई हरी मिर्च और नमक। और उसके बाद जो है ना कसूरी मेथी वो तो मैं ऐड करना भूली गई थी, तो वो भी मैंने 1 चम्मच भर के डाल दी हूँ टेबलस्पून। और उसके बाद हम लोग इसको मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। और आज है ना रोटी के बजाय ना मैंने सोचा क्यों ना कुलचा बनाया जाए, तो उसके लिए ना मैंने इंस्टेंट ईस्ट ली हूँ। तो 1 टेबलस्पून भर के मैंने ईस्ट ली हूँ और 2 चम्मच जो है टीस्पून वो शुगर ली हूँ और 1/4 कप जो है वो नीम गरम पानी है। इन तीनों को जो है अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और उसके बाद ना इसको एक्टिव होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये इंस्टेंट ईस्ट जो है वो रेडी होती है तब तक यहाँ पे मैं आटा तैयार कर देती हूँ कुलचे का। तो कुलचा जो है ना वो 2 तरह से बनता है, मतलब खाली मैदे में भी बना सकते हैं और जो है आटे में भी, वीट वाले फ्लोर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ना मिक्स करके बना रही हूँ। तो 1 कप मैंने मैदा ली हूँ और 1 कप जो है मैंने वीट फ्लोर लिया हूँ और उसके बाद जो है इसके अंदर मैंने 1/4 कप दही ऐड कर दी हूँ और सॉल्ट जो है वो 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल। और जो हम लोग ने ईस्ट रखा था वो देखिए वो एक्टिव हो गया है 10 मिनट के बाद, तो इस तरह से दिखता है। इससे जो है ना आटा डबल होने में ना बहुत जल्दी हम लोग को हेल्पफुल होगा। तो बस पानी डाल के ना इसको नॉर्मल सा आटा गूंद लिया है मैंने और थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको मैं रख दूंगी बाहर। कोई गर्म जगह पर इसको रखा जाता है तो मैं बाहर रख देती हूँ, 1 ही घंटे में ये उठ जाएगा। और बच्चे हैं ना वो शाम हो गई है तो बाहर खेलने गए हैं ट्रैम्पोलिन पे, मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए कोई एक अच्छा सा मोहितो बना के ले चलूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो ठंडा पीने का मन कर रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने ब्लूबेरी डाल दी हूँ और उसके बाद मैंने पुदीना डाल दी उसके अंदर। और ये देखिए वही आइस बॉल्स है जो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर करी थी, इसके अंदर लेमन और पुदीना जो है वो डाल के मैंने फ्रीज करी थी, बहुत अच्छा लगता है। और बस लेमोनेड मैंने डाल दी हूँ और यहाँ पे ना मैं वो बास्किन रॉबिन्स का जो स्ट्रॉ आता है ना मोटा वाला वो मैं यूज़ करूँगी, ताकि जो इसके अंदर ब्लूबेरी के पीसेज हैं ना वो वेस्ट ना हो। तो मोटे वाले स्ट्रॉ में ना ब्लूबेरी के पीसेज भी आते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है, एकदम गर्मी के मौसम में ना ऐसा ही कुछ ठंडा रिफ्रेशिंग पीने का मन करता है। तो चलिए चलते हैं बाहर। तो ये देखिए बच्चे यहाँ ट्रैम्पोलिन पे जो है वो जंप कर रहे हैं। और ट्रैम्पोलिन आपने अक्सर मॉल वगैरह में देखे होंगे ना, जहाँ प्ले एरिया होता है वहीं पे ये ट्रैम्पोलिन रखी रहती है। तो ये हम लोग ने बस ख़रीद लिया था और इसके चारों तरफ ना ये नेट लगी हुई ताकि बच्चे बाहर जो है वो गिरे नहीं, और साथ में चेन भी है। तो बस अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मतलब थोड़ी ही देर बच्चे ट्रैम्पोलिन पे जाते हैं। जब अच्छा मौसम होता है ना, ठंडक का टाइम होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तब जो है ना बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा खेलते हैं। अभी तो थोड़ी देर जाएंगे और भाग भाग के आते हैं उन लोग पानी पीने के लिए। और घर के सामने ही ये ट्रैम्पोलिन है ना, तो बहुत ईजी रहता है इन लोगों को, बार बार घर में आ जाते हैं। तो आज तो बस ये फलक और आरिज हैं, नहीं तो अफान के सारे फ्रेंड्स होते हैं और वो सब भी आते हैं पानी पीने के लिए घर में। तो ये मोहितो जो है ना ये बहुत रिफ्रेशिंग, बहुत ही अच्छा बना था। और मुझे ऐसा लगता है कि ना इसी तरह से जो है बच्चों के पेट में जो है वो कुछ फ्रूट्स भी चले जाते हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन था। तो चलिए अब चलते हैं घर में और जो है अब डिनर की तैयारी करते हैं। तो मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में डिनर प्रिपेयर करने के लिए। और यहाँ पे ना मैं टोमेटो को जो है ना वो ब्लांच करूँगी, तो मैंने 2 बड़े साइज़ के टोमेटोज़ ले ली हूँ और इस तरह से ना उसको बस कट लगाना है, पूरा काटना नहीं है। और उसके साथ ही ना मैंने जो है वो खड़ा लाल मिर्चा ले ली हूँ, तो वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। तो जब तक वो वहाँ ब्लांच हो रहा है यहाँ पे जो है हम लोग चिकन रेडी करते हैं। तो तेल में जो है वो मैंने खड़ा गरम मसाला डाल दी और 4 छोटी छोटी कटी हुई प्याज मैंने डाल दी थी। और इसको जो है ना थोड़ा गोल्डन सा कलर करने के बाद जो हम लोग ने चिकन मैरिनेट करके रखे थे वो उसमें डाल देंगे और उसको जो है 10 मिनट के लिए तेज़ आँच पर भूनेंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो टोमेटो ब्लांच होने के लिए हम लोग रखे थे वो हो गया है, तो उसका छिलका निकाल के ना हम लोग इसको जो है मिक्सर में पीस देंगे। इससे है ना टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है चिकन का और कलर भी बहुत अच्छा आता है।
और यहाँ पे चिकन में एक चम्मच धनिया पाउडर मैंने ऐड कर दी हूँ और आधा चम्मच जो है वो भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और जो हम लोग ने पेस्ट बनाए थे टोमेटोज़ का वो मैंने ऐड कर दी हूँ और पानी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पड़ेगा और थोड़ा सा ही पानी डाल के और इसको लुटपुटा सा ये रहता है। अब इसको हम लोग पकने के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे और यहाँ पे ना मैंने कुलचा बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी हूँ। तो आटा जो है ना वो डबल हो गया था तो छोटा छोटा मैंने इसको बेल ली और थोड़ा सा घी लगा के इसके ऊपर हम लोगों को कलौंजी रख के थोड़ा सा बेल देना है ताकि कलौंजी अच्छी तरह से चिपक जाए। अब यहाँ पे ना पैन को मैंने गरम कर ली थी और उसके ऊपर मैंने कुलचा रख दी हूँ और इसको हम लोग जो है ना 10 मिनट के लिए मीडियम आँच पर पकाएंगे और ये देखिए इस तरह से बबल्स जो है जब दिखने लगेंगे ना तब हम लोग इसको जो है एक दफ़ा पलट लेंगे और देखिए नीचे से भी जो है कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो इस टाइम पे हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना वो पानी ऐड करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको छुपा देंगे वापस से मीडियम आँच पर 10 मिनट के लिए। तो स्टीम में ही ना ये कुलचा बहुत अच्छा सा पक जाता है। तो ये देखिए दोनों तरफ से ये पक गया है और गोल्डन गोल्डन से पैचेस जब इसमें पड़ने लगेंगे ना तो समझ जाइएगा कि ये कुलचा जो है वो डन हो गया है और एकदम होटल जैसा लग रहा है। तो सारे कुलचे जो है ना वो मैंने बना लिए थे और अब जो है ना एक पैन में क्या किया मैंने थोड़ा सा बटर मेल्ट करी और उसके अंदर धनिया की पत्ती ऐड कर दी और इस तरह से मैंने ब्रश कर दिया तो बहुत खूबसूरत सा लग रहा था देखने में। और देखिए हम लोगों का चिकन वो भी रेडी हो गया है तो उसको भी मैं सर्विंग बोल में निकाल लेती हूँ। तो खाना मैंने लगा दिया था डाइनिंग टेबल पे और हस्बैंड जो है वो सब लोगों को चिकन और कुलचा निकाल के दे रहे हैं और कुलचा इतना अच्छा इतना ज़बरदस्त सॉफ्ट सा बना था और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। मतलब फलक तो कह रही थी हम रोज़ अम्मा यही बनाइएगा रोटी के बजाय, तो मैंने कहा इतने इतने की नहीं हो रही है, रोज़ रोज़ नहीं बनता है, ये कभी कभार बनता है। सो फॉर अ चेंज ये बहुत अच्छा है, आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा बना था आप लोगों का कुलचा। अल्टीमेट अल्टीमेट, अच्छा जैसे लग रहा है ढाबे में बैठ के खा रहे हैं। अच्छा आरिफ कैसा बना है ये दिखाओ, बताओ। अच्छा बना है, कितना अच्छा, बहुत अच्छा है, थोड़ा अच्छा, बहुत अच्छा। अम्मा को बताओ कितना अच्छा बना। आरिफ कैसा बना है, बहुत अच्छा बना है। तो फिर ठीक है आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आपको जो है आज का वीडियो पसंद आया होगा और क्लीनिंग मोटिवेशन मिला कि नहीं वो मुझे ज़रूर बताइएगा और रेसिपी कैसे लगी वो भी मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मेरे चैनल पे जो है आपको बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल और रेसिपी से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगी। आई होप कि आपको सब पसंद आएंगी। तो फिर ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।